ओखला का जो ऐप है इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे ओपन करने के साथ यहाँ पे गो करना है गाइस। अब देखते हैं यहाँ पर इससे क्या स्पीड मिलती है, जो नए वाला एपीएन मैं आज आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे 8 Mbps के आसपास स्पीड है। तो गाइस ये स्पीड जो है ये इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी, बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अपना जो डिवाइस है, ये जो मोबाइल है, अगर मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ तो ये जो डाउनलोड स्पीड 8 Mbps के आसपास आई है, ये यहाँ पे आपको 20 Mbps या 25 Mbps के आसपास देखने के लिए मिलेगी। तो वैसे भी गाइस यहाँ पे डाउनलोड स्पीड जो है 8.20 Mbps और अपलोड स्पीड 12.2 Mbps आई है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। और गाइस ये स्पीड दिखाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो APN सेटिंग है वो कौन सी है। तो गाइस सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क कुछ करके इस टाइप से आपके मोबाइल में यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो उसमें आपको जियो के अंदर जाना है। जैसे मैंने मेरे इसमें फर्स्ट वाला जो सिम है वो जियो है। तो जियो में आप जाने के बाद यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम देख सकते हो, या फिर आपके डिवाइस में APN भी लिखा हो सकता है, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। आप यहां पे देख सकते हो यहां पे जो क्लिक है वो मेरे जो क्रिएटेड APN है उस पर मैंने क्लिक किया हुआ है। तो इसका मतलब जो अभी मैंने आपको स्पीड दिखाई थी वो इसी वाले APN से है। तो इस APN के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानने ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो नेट है वो काफ़ी अच्छा चल सके। तो गाइज़ इन्फॉर्मेशन पर मैं क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने क्या क्या चेंजेस और क्या क्या चीज़ें क्रिएट की है। तो गाइज़ सबसे पहले तो आता है नाम। नाम में गाइज आप देख सकते हो स्टार्टिंग में CC.JioSpace4G ये लिखा हुआ है। तो गाइज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो CC है उसमें स्टार्टिंग का C कैपिटल है, डॉट जियो में J कैपिटल है, और स्पेस देने के बाद 4G में G कैपिटल है। तो इसी तरीके से आपको सेम लिखना है। लिखने के बाद इसको सेव कर दीजिएगा। फिर आते हैं APN पे। APN में गाइज आपको लिखना है जियो, जियो में जो जे होगा स्टार्टिंग का वो कैपिटल लिखना है, और इसके बाद इसको भी सेव कर दीजिएगा। प्रॉक्सी पोर्ट को आप नो सेट रहने दीजिएगा। आते हैं सीधे यूजर नेम पे। यूजर नेम पे गाइज आपको यहाँ पे लिखना है Jio 4G में आप देख सकते हो जे कैपिटल है और जी कैपिटल है, ये दोनों सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, और इसके बाद इसको सेव कर देना है। फिर पासवर्ड आता है, पासवर्ड को नो सेट रहने दीजिएगा। सर्वर पर आते हैं, सर्वर में आप यहाँ पे लिख सकते हो www.jio.com, या फिर गाइज आप google.com भी लिख सकते हो, www.google.com या फिर jio.com, इन दोनों में से आप जो भी लिखना चाहे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो लिखने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आते हैं गाइज MMSCV और MMSproxy MMSPort। तो इन तीनों को गाइज आपको नहीं छेड़ना है, इनको नो सेट कर देना है। फिर आते हैं MCC MNC, इन दोनों को भी गाइज आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये आपका एरिया कोड होते हैं। अगर आप इनके साथ छेड़खानी करते हो तो हो सकता है आपका नेट ओपन ही ना हो, अगर ओपन भी हो तो वो जो स्पीड है वो काफ़ी लो स्पीड दे। तो इस वजह से आपको इनको नहीं छेड़ना है। तो इसके बाद आते हैं ऑथेंटिकेशन टाइप पे। ऑथेंटिकेशन टाइप में गाइज आपको यहाँ पे नॉन पे क्लिक मिलेगा, तो आपको यहाँ पे PAP पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाती है सेटिंग। तो गाइस पे नीचे आता है APN टाइप। APN टाइप में आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख सकते हो, अगर डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा हुआ है तो भी गाइस कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर डिफ़ॉल्ट लिखा है तो वैसे ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर भी इसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं APN प्रोटोकॉल। APN प्रोटोकॉल में गाइस जब आप एक न्यू APN बनाओगे तो हो सकता है आपको IPv4 पे क्लिक मिले या फिर IPv6 पे क्लिक मिले। तो गाइस वहाँ से आपको क्लिक हटा के IPv4/IPv6 पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के साथ ऑटोमेटिक यहाँ पे सेटिंग सेव हो जाती है। सेम प्रोसेस गाइस आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी रिपीट करनी है। हो सकता है IPv4 या IPv6 पे क्लिक हो, तो आपको वहाँ से हटा के IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आता है बियरहर। जियो के अंदर गाइस जितने भी APN होते हैं, APN के अंदर गाइस मेन चीज़ यहाँ पे बियरर होती है, क्योंकि जब आप एक न्यू APN क्रिएट करोगे तो आपको अनस्पेसिफाइड पे क्लिक मिलेगा, वहाँ से उसको हटा के अनटिक करके आपको जितने भी बियरर शो होगे सब पे क्लिक कर लीजिएगा।
और क्लिक करने के बाद जैसे आप बैक जाओगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अगर हो सकता है गाइस आपके डिवाइस में सभी भी बीआरआर सेव ना हो तो आप एलटीई को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ऐसे भी हो सकता है गाइस एलटीई भी सेलेक्ट ना हो तो आप इसको अनस्पेसिफाइड रहने दीजिएगा। उसके बाद गाइस आता है एमवीएनओ टाइप, तो इसमें यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, बट आपको कुछ नहीं करना है, नॉन पे रहने देना है, इसको नॉन पे रहने देना है। इसके बाद इस सेटिंग को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइस जब आप अपना जो नेट है वो चलाओगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि जो स्पीड होगी वो पहले से ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर गाइस मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।